नमस्कार। ज्या वेळेस आम्ही मालवणीमध्ये म्हणजे आम्ही गंगा बॉईज क्रिकेट खेळत होतो अराउंड 2005-6-7 तो काळ असेल, त्यावेळेला आमच्याबरोबर खेळणारे संघ कॉम्पिटेटिव्ह संघ म्हणजे दहिसर बॉईज, बोरिवली बॉईज, रायझिंग सन, अल्ताफ असे होते। ज्या संघाबद्दल मी आता बोलणार आहे त्या संघाला, त्या खेळाडूला वरती येताना मी पाहिलं आहे, अँड आय मस्ट से द ग्रोथ हॅज बीन रॅपिड। एक किस्सा सांगतो, त्यावेळेला आम्ही गंगा बॉईजनी एक टुर्नामेंट ऑर्गनाईज केली होती आणि त्या काळात प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल असे दोन हाफ खेळत असत, एक 4 संघांचा हाफ होत असे आणि एक 12 संघांचा। ह्या खेळाडूंनी त्यावेळेस मला फोन केला होता, ज्या काळात प्रोफेशनल संघांबरोबर समोर त्यांच्या समोर खेळण्यासाठी कोणी घाबरत असे, त्या काळात ह्या खेळाडूंनी मला फोन केला होता आणि त्यांनी सांगितलं होतं की तुषार भाई हमको उस हाफ में एंट्री दो, हम वहां खेलना चाहते हैं। द मोस्ट फियरलेस एंड द ग्रोथ, अगेन आई विल से द ग्रोथ हैज बीन रैपिड। उमर खान, भेटूया उमर खान। उमर थैंक यू वेरी मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो मेरे को मतलब उमर, मैंने मतलब मैं आई मस्ट से कि मैंने तेरे ऐसा फियरलेस प्लेयर नहीं देखा है बॉम्बे क्रिकेट में फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज वो समय ऐसा था कि लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के साथ में खेलना यू नो थोड़ा सा अवॉइड करते थे, बट आप लोग जो थे वो वहाँ पे उनके सामने भिड़ने को तैयार थे, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? सर मैं तो पहले से मतलब जब क्रिकेट चालू किया ना तो ये कॉन्फिडेंस पहले से था, क्योंकि पहले का मुंबई का क्रिकेट ऐसा था कि सुबह से शाम हो जाता था क्रिकेट खेलने में आदमी को, तो हम लोग को पहले से ऐसा था कि पहले से टफ टीम से खेलो और फ्री हो जाओ, या तो फिर बाद में भीड़ भाड़ के आने से अच्छा एक ही बार में प्रोफेशनल लोग से खेल के ख़त्म करो। ओके, तो वो टाइम पे मतलब 2008-09 से मैंने देखा है उमर 11 को यू नो ऊपर आते हुए, उस समय जो टीम्स थी उसमें से उमर 11 छोड़ के तुम्हारी चाहने वाली टीम कौन सी थी जिसको आप पसंद करते थे? उमर 11 के बाद कोई पसंद करने वाली टीम मैं देखा हूँ तो ये असलम भाई की टीम थी, मैं देखा बहुत ही जो उनके प्लेयर थे बंड बॉयज़ में, बंड बॉयज़ के प्लेयर एक तो क्रिकेट के साथ साथ वो लोग रिलेशन भी ऐसा मेंटेन करते थे, तो मेरे को वो चीज़ बहुत, वो टीम बहुत ज़्यादा पसंद थी। उस समय का जो दौर था, उस दौर के कोई प्लेयर्स अगर बोलना हो तो कौन से पसंद करेंगे आप बोलना? उस दौर के प्लेयर में तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे, सब लेजेंड क्रिकेटर ही थे, तो उसमें मेरे को पापे, असलम शेख, मंदार, ये लोग की बैटिंग मुझे बहुत पसंद थी। ओके। पसंद इसके लिए थी कि वो लोग ने हमेशा हम लोग के अगेंस्ट ही रन किया है, तो मैं ऐसा मानता था कि जो हम लोग को हिट करे वो प्लेयर ज़्यादा अच्छे थे। okay. और हमेशा पापे और असलम भाई को ऐसा देखा हूँ, मंदार को, कि हम लोग के सामने नॉट आउट इनिंग ही खेलते थे हमेशा। अच्छा। ओके, सो उमर ने काफ़ी प्लेयर्स देखे होंगे, काफ़ी टीम अभी देख रहा है, सो क्या मुंबई का टेनिस क्रिकेट बदल गया है? मुंबई का क्रिकेट बदल गया है, क्योंकि मुंबई का ही नहीं ओवरऑल पूरे इंडिया का क्रिकेट बदल चुका है। जब से ये लाइव टेलीकास्ट आना स्टार्ट हुआ क्रिकेट का, तो उसमें बॉलर की वीकनेस, बैट्समैन की वीकनेस, बैट्समैन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबको पता चल गया है, तो इसके लिए क्रिकेट बहुत चेंज हो चुका है। बट लेकिन पहले के प्लेयर्स ऐसा कहते थे कि यू नो बॉम्बे का जो क्रिकेट था वो डिफाइन करता था क्रिकेट को, मतलब बॉम्बे के क्रिकेटर से बड़ा क्रिकेटर नहीं होते थे पहले। सही बात है, ये पहले नहीं होते तो मेरे ख्याल से अभी भी नहीं है गया। अभी भी जो भी क्रिकेटर निकलते वो भी बहुत बॉम्बे में के क्रिकेट निकल के बहुत नाम कमा रहे, पैसा कमा रहे, क्योंकि पहले का जो क्रिकेट थे लेजेंड लोग थे, स्पिन अटैक अपना फेमस था बॉम्बे में। आज स्पिन बॉम्बे जैसा अटैक कहीं मिलता नहीं था पहले, और आज हर जगह स्पिन अटैक चल रहा है पर वैसी विकेटें नहीं मिल रही है। बॉम्बे की जो विकेट है स्पिन विकेट ट्रैक, वो ट्रैक कहीं मिल नहीं रहा। जहाँ भी देखो तुम आजकल फास्ट क्रिकेट, स्पीड क्रिकेट, ग्रास के विकेट पे मैच होते रहते हैं, तो इसके लिए बॉम्बे के प्लेयर लोगों को डिफिकल्टी होती, पर बॉम्बे के क्रिकेटर पहले से एडजस्ट करके खेल रहे, क्रिकेट को एडजस्ट करते हैं। और अभी भी है, क्योंकि बॉम्बे में क्रिकेट कम होने की वजह से प्लेयर नहीं निकल रहे, क्रिकेट कम हो गया बॉम्बे का, पर जो पहले का क्रिकेट बॉम्बे में खेल रहे हो अभी भी खेल ही रहे। लेकिन मेरे को बता कि उमर, उस समय जो बॉलर्स थे बॉम्बे के, जैसा तुमने बोला कि स्पिनर्स थे, वैरायटी थी, बट वो बॉलर्स ऐसा कहते हैं कि बॉम्बे में बॉलर्स ही नहीं बचे हैं, ऐसा क्यों? सही बात है, ऐसे बॉलर्स तो अभी बचे भी नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में क्रिकेट है सैटरडे संडे का क्रिकेट है, बाहर का तुम देख लो, रायगढ़ देखो, थाना देखो, भिवंडी देखो, उधर ग्रामीण क्रिकेट मंडे से लेके संडे तक मैच ही रहती है। बॉम्बे का क्रिकेट सैटरडे संडे रहता है, उसमें काम हम एडजस्ट करके पब्लिक आती है,
मैच प्लेयर बनते हैं और वहाँ पर बहुत गिने चुने टूर्नामेंट होते हैं, तो उसमें दिख के नहीं आते। और जो बॉम्बे से फेमस हुए प्लेयर है वो अपनी टीम को भी टाइम नहीं दे पाते, टीम से फेमस होकर बाहर जाते हैं फिर टीम को टाइम नहीं देते, तो प्लेयर मेरे ख्याल से बचे ही नहीं है। Okay. जब तक कि बॉम्बे में क्रिकेट होएगा तो बॉम्बे के प्लेयर बाहर निकलेंगे। बॉम्बे में भी ऑलमोस्ट अभी ये साल देखो तो गिनती के 3 से 4 टूर्नामेंट हुए पूरे साल में, जिसकी वजह से नए प्लेयर को कहाँ से निकलेंगे, चांस ही नहीं मिलता है। ओके हम उमर 11 की बात करते हैं वापस। ओके सो उमर 11 जैसे मैंने बोला 2007-08 के बाद में मैंने देखा उसको फ्लरिश होते हुए। उमर 11 का बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से साल में था? उमर 11 का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या था? कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी उमर 11 का जो था स्टार्ट का क्रिकेट, जैसे बिलाल, गैसू, अकबर, अनिकित सानप, बाद में हकीम भाई, संतोष, अशरफ, ये हम लोग का बेस्ट कॉम्बिनेशन था। ओके सो मैं अगर कहूँ कि ओके मैं एक सवाल करता हूँ कि उमर 11 का बैकबोन कौन है या कौन रह चुका है? उमर 11 का बैकबोन ऐसा देखा जाएगा तो हम लोग की टीम में अभी फिलहाल जैसा रहा तो वो मुन्ना शेख। ओके हमेशा वो बैकबोन की तरह ही रहा। उमर को किसी बॉलर से कभी डर लगता है या लगा है? नहीं वैसे तो मेरे को कभी किसी से डर नहीं लगा, पहले मेरे को प्रॉब्लम होती थी तो नाइट में। ओके नाइट क्रिकेट में मेरे को हमेशा प्रॉब्लम होता था, डिफिकल्टी लगते थे, तो हमेशा कभी मैं नाइट को पहले मैं बैटिंग को नहीं उतरता था क्योंकि मेरे को बॉल साइड नहीं होते थे जल्दी, तो फिर मैं वो प्रैक्टिस कर करके वो भी अपना वीकनेस मैंने दूर किया नाइट में फ्लड लाइट में प्रैक्टिस करके। वैसे मेरे को प्रॉब्लम हुआ तो हमेशा एक ही बार हुआ है, वो भी दानिश और एक भावेश जो भिवंडी के थे वो टाइम पे। ओके वो टाइम पे जब क्रिकेट चल रहा था वो टाइम पे अलाउट थोड़ा जर्क, तो वो टाइम पे मेरे को भावेश और दानिश से बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसके अलावा अगर कोई बॉलर जिसने उमर को परेशान किया हो? नहीं वैसा तो किसी ने अभी तक उसके बाद से कोई परेशान नहीं किया। ओके फिलहाल के घड़ी के जो क्रिकेटर्स हैं उसमें से अगर कोई क्रिकेटर चूज करना पड़े उमर खान को तो कौन सा क्रिकेटर चूज करेंगे? द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर अभी फिलहाल से लेके अब तक के ऐसा मेरी टीम में देखा जाएगा तो मुन्ना शेख। ओके कंसिस्टेंट मेरे ख्याल से परफॉर्म करते, जो उसको जो फेम मिलने चाहिए वो फेम कभी मिला नहीं, पर वो हमेशा मैं देखूंगा 10-12 साल से कंटिन्यूसली हमेशा हर जगह परफॉर्म किया हुआ है। उमर ओके उमर 11 का बेस्ट विन या बेस्ट टूर्नामेंट कौन सा उमर ने जीता है आज तक? उमर 11 का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट हम लोग के लिए खरड़ी चषक था, जहाँ हम लोग ने फर्स्ट टाइम फाइनल मारा था। उसके बाद हम लोग का सुप्रीमो के बाद था STCPL जो अपने इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था 20 लाख का। ओके नवी मुंबई में जो हुआ था उस्मान पटेल ने रखा था, वो टूर्नामेंट हम लोग के लिए सबसे बेस्ट था। सो उमर मुझे ये बताओ कि आज के तारीख में क्रिकेट में पैसा बहुत हो चुका है, टेनिस क्रिकेट में पैसा काफ़ी आया है। सही बात। कितना पैसा मिलता है क्रिकेटर को टेनिस क्रिकेट में? मैं तो बोलूँगा अभी के जब से लाइव टेलीकास्ट चालू हुआ है, जब से प्लेयर लोगों को फेम मिलना स्टार्ट हुआ है, तो आज के में जो प्लेयर चल रहा है उसको पैसा तो बहुत है। नहीं भी बोल के एक सीजन में 15 से 20 लाख रुपया तो एक टेनिस क्रिकेट प्लेयर कमा ही लेता है। बाप रे। टूर कर करके अगर प्रॉपर वो सीजन से लास्ट तक ही चालू करे, क्योंकि हर जगह बारिश में भी गुजरात राजस्थान में मैच चलते रहता है, तो मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं कि टेनिस क्रिकेटर घर में बैठता है, वो डेली पूरा 12 महीना क्रिकेट खेलता ही रहता है। सो अगर आपको किसी को नसीहत देनी हो नए प्लेयर्स को, तो क्या उनको टेनिस क्रिकेट एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए, खेलते रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो टेनिस क्रिकेट नहीं खेलते रहना, इतना ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। पहले लेदर क्रिकेट खेलेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें स्कोप है, फ्यूचर है लेदर क्रिकेट में। टेनिस क्रिकेट में तुमको कैसा है, एक बार इंजरी हुआ तो बहुत इशू हो जाएगा, बैट पैच आया तो इशू होगा, क्योंकि अगर पर्टिकुलर एक प्लेयर अगर अपनी टीम को पकड़ के चल रहा है तो लंबा क्रिकेट खेल सकता है वो। इम्पैक्ट प्लेयर अगर मैं पूछूं मुंबई के इम्पैक्ट प्लेयर्स, उसमें किसके नाम लेना पसंद करेंगे जो उमर 11 में नहीं खेलते हैं, कोई बाहर के प्लेयर्स? इम्पैक्ट प्लेयर में बाहर के वैसा देखा जाए तो इम्पैक्ट में जैसे उस्मान हो गया। ओके केतन मात्रे और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे प्लेयर है, कृष्णा पवार हो गया जो बहुत वैल्यूबल प्लेयर है कृष्णा पवार, उसको ना किसी ना छोटे ग्राउंड ना बड़े ग्राउंड किसी भी ना विकेट स्लो विकेट किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भावेश पवार। ओके ऐसा कोई टूर्नामेंट अगर उमर को एक चांस दिया जाए कि
पास्ट में जाके अपनी कोई गलती सुधारने का मौका दिया जाए तो वो कोई कौन सा गेम होगा या वो कौन सी बात होगी? मेरे हिसाब से यही था कि जो प्रोफेशनल लोग जिन लोगों का क्रिकेट बंद हो गया था जब ज़्यादा वो लोग को खेलने नहीं मिलता था चार टीम से, तो मैं पास्ट में भी जाके ये कि वो लोग को पहले से 8 टीम के साथ में 16 टीम के साथ में खिलाने की कोशिश करता था ताकि वो लोग का गेम देख के वो लोग के सामने खेलने से कॉन्फिडेंस बाकी लोगों का भी बढ़ता तो आज वो लोग भी आज एक लेवल पे अच्छा क्रिकेट खेलते। ओके, पर तुमको लगता है कि वो टाइम पे प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल होने से कुछ बॉम्बे में नुकसान हुआ? हुआ, बहुत हुआ, मेरे हिसाब से बहुत हुआ। अभी अगर आज हम लोग ये सोचते कि हम लोग प्रोफेशनल के सामने मैच नहीं खेलते तो आज हम लोग भी शायद से आगे नहीं बढ़ पाते, शायद इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट नहीं खेल पाते अगर हम लोग वो स्टेप नहीं उठाते, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर को मैं देखा वो लोग देख के घबरा जाते थे। अभी सर का, शंतु सर का नाम सुनते थे, असलम भाई का नाम सुनते, पापे का, राहुल की टीम का नाम सुन के लोग बोलते अरे क्या भाई पहले बॉल पे नए बॉल से सिक्स मार रहे, ये सब कॉन्फिडेंस वो लोग को देख के कॉन्फिडेंस लूज हो जाता तो आगे खेलेंगे कैसे। और हम लोग ऐसे थे कि नहीं भाई खेलना है तो लोग से ही खेलना है, तो वही हिसाब से हम लोग आज जो ये लेवल पे है उसी वही कॉन्फिडेंस की वजह से। तो उमर ने किसको देख के क्रिकेट खेलना शुरू किया अगर पूछूं तो? मैं मेरे भाई को ही देख के क्रिकेट खेलना चालू किया, असगर भाई को असगर भाई को देख के क्रिकेट में चालू किया। जो असगर भाई जो हम लोग को मैं देखता रहा, प्रैक्टिस करते थे असगर भाई, तो आधा आधा एक एक घंटा असगर भाई आउट नहीं होते थे। जो असगर भाई सिक्स मारते थे लिटरली बॉल को ना गोटी बना देते थे, इतना छोटा, आप देखे तुम खुद खेले हुए गए, तो उनको देख के मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनको देख के मैं क्रिकेट चालू किया। मुंबई में क्रिकेट कम होने का कारण क्या है? मुंबई में क्रिकेट कम होने का कारण है लीग मैचेस। जब से ये लीग मैचेस स्टार्ट हुए, मुंबई का क्रिकेट पहले से गटसी क्रिकेट है। मुंबई में अपन घर से निकले तो ऐसा था कि भाई सोच लो घर पे सर पे कफन बांध के निकल रहे। पहले क्रिकेट ऐसा था कि एक मैच हार गए तो घर आना है। अभी आज का क्रिकेट ऐसा है कि अपन अच्छी टीम को हराने के बाद भी उसको फिर से हराना है लीग में। लीग मैचेस आने की वजह से ना बहुत इशू हुए, ये टीम एक बैलेंस, अभी हर कोई एक अपनी टीम को पक्का बनाना चाहता है, उसके चक्कर में कई टीमें टूट गई। चार पांच टीम के प्लेयर एक टीम में जाके खेलते तो उसके चक्कर में टीमें बंद होने लग गई, टीम कम हो गई, टीम के प्लेयर भागने लग गए। नॉकआउट क्रिकेट था तो क्या वो लोग अपनी टीम के साथ मेहनत करते थे, बोले अभी दो मैच उसको जिताने से अच्छा मैं अपनी टीम को जीता हूँ, ऐसा था। मेरे हिसाब से जब से ये लीग मैचेस आया बस इतना बोलूँगा कि बॉम्बे का क्रिकेट कम हो गया, बाहर के क्रिकेटर को बॉम्बे वाले लोग ही बाहर को ज़्यादा रिस्पॉन्स देने लग गए। आजकल बॉम्बे के प्लेयर तुम देखा जाएगा बाहर की टीम जो भी आजकल जीतती है वही बॉम्बे के प्लेयर उसमें दिखेंगे तुमको तो ही जीत रही है। ओके, तो मैं अगर पूछूं कि पुराना जो क्रिकेट था जो टीम टीम का था, जैसे हम लोग खेलते थे, हम लोग के सामने खेले काफी टूर्नामेंट्स, वो टाइम पे राइजिंग सन खेलती थी, दहिसर बॉयज, बोरुली बॉयज, बहुत सारे, अल्ताफ था, क्या कभी एसपी थी, क्या वो टीम्स का क्रिकेट वापस कभी देखने मिल सकता है बॉम्बे में कि नहीं? मेरे हिसाब से देखने मिलेगा अगर उस प्लेयर के प्लेयर अपने जिम्मेदारी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले टीम को खड़ा करने की। टीम में अगर बॉम्बे में फिर से नॉकआउट तुम देखो, क्रिकेट चालू होता है, देख लो प्रबोधन में हुआ, सबके सब अच्छी टीम देखने मिली, प्राइस कुछ नहीं था पर सब टीम तुमको उसको देखने मिली। जिस दिन में अगर अभी सुप्रीमो में देख लो, सुप्रीमो में वही सब पुरानी टीमें दिखती है, टीम के प्लेयर आपको दिखे नजर आते उधर, कि सुप्रीमो में आज भी ऐसा क्रिकेट है कि नॉकआउट क्रिकेट है। मैं बोलता हूँ बॉम्बे में भले 5 लाख 10 लाख नॉकआउट क्रिकेट चालू होगा तो तुमको सब पुरानी टीमें पुराने प्लेयर देखने को मिलेंगे। टीम में कभी विभाजन हुआ है क्या? नहीं, टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी टीम में ऐसा हुआ नहीं। कभी होता भी है तो फिर कैसा थोड़ा बहुत प्लेयर को लेके होता है, कभी मतलब किसी को चांस नहीं मिला खेलने में, बड़े टूर्नामेंट में किसी को बाहर बिठाए हम लोग में तो मगजमारी होती, बाद में फिर उस गलती को सुधार के हम लोग लेट गो करके कंटिन्यू करते हैं। टीम में सबसे समझदार इंसान कौन है? टीम में उमर लायन की टीम में देखा जाएगा तो ऐसा कोई समझदार है ही नहीं एक भी प्लेयर समझदार नहीं है, सब गर्म ही रहते हैं हमेशा, ग्राउंड पे भी ग्राउंड के बाहर भी। पर ये रहता है कि सब है गटसी, खेलने का बस जीतना है, उन लोग का भी यही है कि शायद मैं रहता तो जीत जाएंगे, मैं नहीं था तो हार गए, ऐसा दिमाग में रहता है। जिम्मेदार ऐसा मैं ऐसा किसी एक को बोल ही नहीं सकता कि कोई समझदार है। थोड़ा एक है बिलाल शेख, थोड़ा शांत है हम लोग की टीम में, तो थोड़ा सेंसिबल ही है, बस वो शांत रहता है, टीम के लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते रहता है, क्योंकि जब भी कोई बाहर प्लेयर आ, बाहर का प्लेयर हम लोग इसको लाए तो बैठने के लिए, वो एक रवि हो गया, रवि लिंगाला हो गया, उस टीम में टीम के लिए हमेशा वो लोग ने कुर्बानी दी है, वो लोग के चक्कर में आज हमारी टीम में जो भी बाहर के प्लेयर आए वो लोग खेले हुए। बाकी तो हमेशा हर टीम को फॉर्म में रहे नहीं रहे, भाई मेरे को तो खेलना है ये हमेशा चलते रहता टीम में। ओके, आईएसपीएल हुआ लेकिन उमर खान को खेलते हुए नहीं देखा गया,
दुख है? दुख तो नहीं वैसा मैं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि जो भी प्लेयर खेले सब अच्छे प्लेयर ही खेले, क्योंकि जो फॉर्मेट था, जो रूल्स था, वो हिसाब से मेरे ख्याल से तो जो खेला वही नसीब वाली बात है, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही डिफरेंट था। तो मेरे ख्याल से 190 में से 30 लोग को लेना, तो कोई ना कोई को तो किसी को तो सदमा लेना ही है, तो उसको लेके लेट गो किए और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह खेलेंगे। उमर का नंबर क्यों नहीं लगा? लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा था कि देखा जाए तो उधर जो जो टीम के मैनेजर वगैरह जो भी बैठे थे टीम को चलाते, सिर्फ एक दो टीम के जो मैनेजर्स वगैरह वो उधर नहीं थे, जो भी था जो पहचान नहीं लगी या वो लोगों को कांटेक्ट नहीं किया गया, तो वो हिसाब से ना उमर के प्लेयर गए पे ना एनबी अवध के प्लेयर गए। तो यही बोलूँगा कि इसमें जिसकी सेटिंग होगी शायद मेरे ख्याल से वो लोग गए गए ऐसा भी सोच सकते हैं, और फिर पता नहीं बाकी क्या था। मैं अगर पूछूं कि करंट प्लेयर्स में से बेस्ट प्लेयर्स कौन है जो उमर को लगता है बॉम्बे के? अभी करंट प्लेयर में से मैं देखा जाए तो फरदीन काजी, श्रेयस कदम और विक्रांत, जो अभी फिलहाल हाल फिलहाल सब जगह क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, लेटेस्ट में भी यंगस्टर में ये तीन प्लेयर को मैं ऐसा देखा हूँ, नजमुल को देखा हूँ थोड़ा, सूर्या नायडू, अभी जो चार पांच लड़के लोग हैं अभी आजकल खेल रहे हर जगह दिखते हैं मिलते हैं, मेरे को लगता है वो लोग बेस्ट है, थोड़ा अपना और ध्यान दे तो और लंबा क्रिकेट वो लोग खेल सकते हैं। ओके, पुराने जमाने में ऐसा लोगों का कहना है कि यू नो बॉम्बे क्रिकेट पीक पे हुआ करता था। ओके, और जो हमने भी देखा है, मतलब मुंबई क्रिकेट बोलते हैं, मुंबई क्रिकेट जी पंडरी, मैका ऑफ क्रिकेट, होम ऑफ क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट मुंबई, लेकिन वो जो ज़माना था और आज का ज़माना उसमें फ़र्क दिखता है, उसका रीज़न क्या? फ़र्क इसके लिए दिखता है सर, मैं बोल सकता हूँ कि पहले के क्रिकेट को लोगों ने नाम सुना देखा, पर अब ऐसा था कि जब से ये लाइव टेलीकास्ट का ज़माना आया ना, तो प्लेयर की मैं बोलता वीकनेस मालूम पड़ गई। अगर मैं बोलता आज पहले के प्लेयर भी कंटिन्यू लाइव टेलीकास्ट में खेलते तो मैं बोलता वो लोग को भी स्कोर आते, वो लोग को भी हिट बाउंड्री सिक्सेस आते। अब पता चल जाता था कि भाई भरत भाई क्या डालता है, सुनील इंदुर क्या डालता है, पहले से लोग रेडी रहते हैं रिवर्स के लिए, बैटक के लिए, बोले लंबा है, तो वो लोग की भी पता चल जाता था। okay. पहले वाले लोग ने क्रिकेट ने राज किया, मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ वो टाइम पे लाइव टेलीकास्ट नहीं था, नहीं तो आज तुम देख लो एक बॉलर अगर एक टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग डालने लगा तो नेक्स्ट टूर्नामेंट में वो बॉलर रन खाएगा ही। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा लाइफ में कि ये बॉलर कौन कौन सी बॉल डालता है, तो लोग उसके लिए रेडी रहते हैं, प्रिपेयर रहते पहले से। मेरे हिसाब से असलम शेख, भरत लोहार, संतू सर, जो ऐसे ऑलराउंडर थे कि मैं देखा हूँ वो लोग को गुजरात में 16-16 ओवर की मैच में चार चार ओवर भी डालने का, ओपनिंग जाके बैटिंग करने का, कम से कम 10-12 ओवर नो लॉस बैटिंग भी करके आते थे। आज के मुंबई क्रिकेट में ऐसा पेशेंट प्लेयर में है ही नहीं। okay. मैं देखा नहीं कभी भी ऐसा। अभी बाहर भी होते 12-12 ओवर 16-16 ओवर के मैचेस, पर इतने टाइम तक कंटिन्यूसली बैटिंग बॉलिंग करने वाला ऑलराउंडर मैंने अपनी टेनिस क्रिकेट में कभी नहीं देखा, जैसे भरत लोहार और असलम भाई जैसा। असलम शेख एंड भरत लोहार। यस, असलम शेख एंड भरत। ओके, थैंक यू वेरी मच उमर। वेलकम सर। थैंक यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताइए कि ये टीम जो है मिस्टर हकीम शेख चलाते हैं, प्लेयर्स का अरेंजमेंट हकीम शेख करते हैं, शायद पैकर का भी अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन टीम का नाम उमर 11 क्यों है? वेल, ये जैसे हम लोग ने आज हम लोग की टीम स्टार्ट होके कम से कम 17-18 साल हो गए, तो 17-18 साल पहले जब हम लोगों ने खेलना स्टार्ट किया था, मतलब हम लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि क्या नाम रखना है। एक्चुअली पहले हम लोग खेलते थे अंधेरी बॉयज़ के नाम से। अच्छा, हम लोग की पहली टीम थी जब अंधेरी बॉयज़ के नाम से हम लोग खेलते थे, फिर बाद में हम लोग ने डिसाइड किया कि एक टीम को नाम देना चाहिए, अंधेरी स्टेशन का नाम तो था ही, तो साथ में हम लोग उसको एक अलग नाम देना चाहते थे। तो तब से मतलब मैं, उमर और अकबर भाई, ये टीम पहले हम लोग एक नॉर्मल टीम में खेलते थे, छोटे से टीम में, वहाँ से हम लोग खेलते खेलते सोचा कि खुद की एक टीम बनाएंगे, तो हम लोग सब दोस्त एक साथ गैदर हुए, जैसे कि बिलाल हो गया, गैसू हो गया, माज हो गया, वो टाइम पे ये सब एक साथ होके, संतोष था एक बॉलर हमारे में, हम लोग ने सब ने फिर बैठ के डिसाइड किया कि अपनी खुद की टीम करेंगे करके, वो टाइम पर हम लोग ने टीम खुद से एक एंट्री डालना स्टार्ट किया, और वही टाइम से फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि क्या नाम देना है, तो हम लोग सब लोग ने मिलके डिसाइड किया कि उमर 11 ही नाम रहना चाहिए, तो हम लोग ने उमर 11 नाम दिया है टीम को। मैं वापस मुंबई क्रिकेट की तरफ आऊँगा, क्योंकि मैंने भी खुद उमर 11 के सामने हमने बहुत सारे मैचेस खेले हैं उस टाइम पे। सो
मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मैंने उमर 11 को उभरते हुए देखा है मेरी आंख के सामने, जब हम लोग साथ में यहाँ खेला करते थे। वो कौन सा ऐसा टाइम था, समय था, जब ऐसा आपको लगा कि आप ऊपर वाली टीम्स के साथ में कॉम्पीट कर सकते हैं? हम लोग जब पहले खेलते थे तो हम लोग को कैसा है, एक आज के तारीख में आप देखोगे ना, बहुत सारे क्रिकेटर्स है। बहुत सारे क्रिकेटर्स क्या होता है, अगर हम किसी को खेलने बुलाते हैं तो वो लोग है ना पहले साइड पूछते हैं कि अपन ने क्या साइड बनाया है। लेकिन हम लोग जब खेलते थे वो टाइम पे हम लोग साइड नहीं देखते थे। हम लोग अपने आप में एक कॉन्फिडेंस था हम लोग में कि हम लोग किसी के भी सामने हम लोग खेले। तो हम लोग एक बार कांदिवली में खेल रहे थे और सहार में, ये अंधेरी ईस्ट में सहार में बीएमसी ग्राउंड है, वहाँ पे प्रोफेशनल टीम बोली जाती थी उस टाइम पे, एसपी और अरे मैचलेस को। तो वो टीम के हाफ में कोई टीम खेलने रेडी नहीं थी, तो हम लोग यहाँ कांदिवली में हार चुके थे। तो हम लोग खुद से वहाँ पे और दोपहर को हम लोग फ्री हो गए थे, तो हम लोग का दिन भर मैच नहीं था। तो किसी ने बोला कि वहाँ पे एंट्री फ्री, अगर खेलना हो तो खेल सकते हो। तो हम लोग ने क्या किया उस टाइम पे, हम लोग पूरा ग्रुप था हमारा, सब ने बोला किसके पास कितना पैसा है, क्योंकि हम लोग के जब स्पॉन्सर्स भी कम हुआ करते थे, तो सब ने दो दो ढाई ढाई हज़ार रुपये जमा किए, और 11,000 रुपये एंट्री था वो टाइम पे। तो हम लोग ने जाके वो मैचलेस और एसपी के हाफ में एंट्री किया, और वहाँ पे हम लोग ने पहला मैच हम लोग का एसपी से हुआ था, जहाँ पे हम लोग एसपी को हराए। उसके बाद दूसरा मैच मैचलेस के साथ हुआ था और मैचलेस को भी हराए, और हम लोग वो टूर्नामेंट का फाइनल मारे। तो वहाँ हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल तो पहले से अच्छा था, लेकिन वहाँ से जब हम लोग ने वो बड़ी टीमों को हराया तो हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया, और कैसा हो गया कि हम लोग को बहुत सारे लोग जानने लगे कि ये दो टीम को हराया है। तो वो टाइम पे वीडियोस नहीं हुआ करते थे, लेकिन कैसा है, बोलने बोलने में पता चलता था। तो वो सबको पता चला कि उमर 11 एक टीम आई है यंगस्टर्स की, तो वो टाइम से हम लोग ज़्यादा फेमस होने लगे। क्या बात है। हकीम भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने मतलब जैसे मैचलेस का नाम लिया, एसपी का नाम लिया, आपने उस समय के भी क्रिकेटर्स देखे, इस समय के भी क्रिकेटर्स आप देख रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट टेनिस बॉल क्रिकेटर जो आपने देखा है? मैंने बेस्ट क्रिकेटर अगर बैट्समैन के तौर पे देखा जाऊँ तो मैंने देखा है संतू सर को, संतुनु गाइचुर जिनका नाम है, उनको देखा है। और अगर ऑलराउंडर में देखना जाए वो टाइम पे, तो मैंने वो टाइम पे असलम भाई को देखा है। और अगर आज की तारीख में आप बोलोगे मुझे कि आपका फेवरेट कौन प्लेयर है ऐसा, तो अगर ऑलराउंडर में देखूंगा तो मेरा आज की तारीख में भी बेस्ट प्लेयर भावेश पवार ही है। भावेश पवार का आपने नाम लिया तो मुझे आईएसपीएल याद आ गया। आईएसपीएल में आप कलकत्ता के मैनेजिंग कमिटी में थे, उस समय आपको लगा था आप आईएसपीएल फाइनल मार सकते हैं, जो रिजल्ट बाद में आया, क्योंकि आप लोग बहुत नीचे थे, मैंने जब तक देखा था। एक्चुअली क्या हुआ था, पहले 2 से 3 मैच तो हम लोग का परफॉर्मेंस भी नहीं हुआ था, हम लोग तो 70 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर रहे थे। तो उसमें तो ऐसा हो रहा था कि कमेंटेटर्स भी खुद बोलते थे कि ये टीम का आंकड़ा ही उतना है, 70 बस 70 रन बनाएंगे। लेकिन कैसा है, हम लोग की टीम का जब खेले हम लोग, तो टीम का लक चेंज हुआ वो मैच से, जहाँ पे एक बॉल 2 रन चाहिए था और भावेश ने वो बॉल डाला था श्रेयस कदम को, और वो बॉल डॉट हो गई थी। फिर उसके बाद दूसरी ही मैच में हम लोग को क्वालिफाई के लिए कुछ 95 करना था, और हम लोग को कुछ टारगेट था 112 या 113 रन का। 12 बॉल 41 का मैच आया था, जिसमें भावेश पवार और फरदीन काजी ने बहुत अच्छी बैटिंग करके हम लोग को मैच जीता है। ऐसा नहीं कि मुन्ना भाई ने भी, हर मैच में मुन्ना भाई और प्रथमेश ने भी स्टार्ट देते गए, और वो मैच में लेकिन फिनिश किए भावेश और फरदीन ने, और वहाँ से हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और हम लोग ने फिर सोच लिया कि आप फाइनल जीत सकते हैं हम लोग। हकीम भाई, आज की तारीख में इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं मुंबई क्रिकेट को मैका ऑफ क्रिकेट, यानी मराठी में क्रिकेट की पंडरी, जहाँ से क्रिकेट की शुरुआत हुई, शायद मुंबई ने लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाया। लेकिन आज मुंबई के बाहर ज़्यादा बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, मुंबई के बाहर के प्लेयर्स ज़्यादा दिखते हैं, उसका रीज़न क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो मुंबई क्रिकेट पहला ऐसा था कि मतलब हम लोग कहीं भी जाए खेलने के लिए, मुंबई के क्रिकेटर्स आए, मतलब आधी टीम तो ऐसी हार जाती थी पहले। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है, और आज की तारीख में देखा जाए तो मुंबई क्रिकेट, हम लोग हमारी तरह, हम हमारे टाइम हम जब खेलते थे मुंबई क्रिकेट देखते थे, तो मुंबई में बहुत सारे प्लेयर्स थे। और
और आज की तारीख में क्रिकेट एक्चुअली मुंबई का देखे तो मुंबई का क्रिकेट बहुत डाउन हो गया है। प्लेयर्स है, बहुत नामचीन प्लेयर्स आज भी मुंबई में है, लेकिन वैसे प्लेयर अभी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वैसे नहीं निकल रहे अभी। क्यों? उसका इशू ये हो गया है कि आज की तारीख में अगर हम बाहर भी कहीं खेलने जाते हैं, कोई यंगस्टर्स को स्पॉन्सर चांस ही नहीं देता है। जो बने बनाए नाम है आज की तारीख में मुंबई में, जो मतलब अच्छे टॉप पे चल रहे हैं, पैकर्स लोग को वही चाहिए रहता है। अगर हम भी हमारी टीम में कोई नया किसी को यंगस्टर्स को लेना चाहते हैं और किसी स्पॉन्सर को बोलते हैं कि ये यंगस्टर अच्छा है, लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, यंगस्टर्स लोग को चांस मिल ही नहीं रहा है। बिकॉज स्पॉन्सर लोग को क्या चाहिए रहता है, नाम, उनको यंगस्टर्स वगैरह से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसी के वजह से क्या होता है, आज की तारीख में हम लोग यंगस्टर्स लोग को चांस ही नहीं दे पाते टीम में, और सब बड़े नाम ही टीम में खेलते हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, अपना बॉम्बे का क्रिकेट भी ना धीरे 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 ख़त्म होते जा रहा है अगर देखा जाए तो। ये लेकिन कब तक चलेगा इस तरीके से? मतलब अभी देखो, अभी ये बिग बैश टूर्नामेंट है अभी फ़िलहाल तो, और ISPL है, तो इससे शायद कुछ थोड़ा बहुत मुंबई क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा। अभी धीरे धीरे एंट्री जब स्टार्ट करोगे तो खेलेंगे तो अभी तो ऐसा दिख रहा है कि फिर से थोड़ा उभरने की कोशिश में, मतलब थोड़ा उभर सकती है वापस से मुंबई क्रिकेट। जहाँ पे वो लेवल था पहले मैचलेस वगैरह जब खेलते थे, वो लेवल अलग था क्रिकेट का, और आज का मुंबई का लेवल देखा तो बहुत अलग है। बिकॉज पहले कैसा था, मुंबई वाले जाएंगे तो 99.99% मैच जीत के आते थे, आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में मुंबई वाले मुश्किल से 10 में से 2 से 3 टूर्नामेंट बाहर जाके जीतते हैं, मुश्किल से। आज की तारीख में ऐसा हो गया कि, और इसका रीज़न भी ये है कि पैसा, क्रिकेट में पैसा आ गया है। वो क्या होता है, हमारे मुंबई के खिलाड़ी भी आज की तारीख में मुंबई को सपोर्ट नहीं करते, वो ज़्यादा करके जाते हैं पैसों के लिए। वैसा नहीं बोल सकते पैसों के लिए, मतलब उनका भी कमाई का ज़रिया वही है, लेकिन कैसा होता है, एक मुंबई क्रिकेट के लिए ये भी है कि मुंबई के प्लेयर बाहर की टीमों में खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, वो क्रिकेटर को पता चल रहता है कि अपने मुंबई वाले क्या करते हैं, तो वो अपना आइडियाज़ पूरा वहाँ पर शेयर करता है। वो भी एक रीज़न होता है कि इसके वजह से क्या होता है, मुंबई का क्रिकेट है ना बैकवर्ड होते जा रहा है। अभी बहुत जगह अपन देखे, मुंबई का क्रिकेट अभी ना के बराबर चल रहा है देखा जाए तो। ये कौन सा टाइम था, या आपको क्या लगता है कब से ये शुरू हुआ, जो यू नो बाहर का क्रिकेट ज़्यादा बढ़ गया या मुंबई के ऊपर ज़्यादा हावी हो गया? अभी देखा जाए तो पिछले 5-6 साल से ये बात चल रही है। पिछले 5-6 साल से अभी देखे जाएंगे तो क्या हो रहा है, यंगस्टर्स बनना बंद हो गए। एक तो यंगस्टर्स आ रहे नहीं है क्रिकेट में, अभी आए हैं ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अभी कैसा है, जो आए हैं वो टॉप पे आ चुके हैं, और अभी यंगस्टर्स को अपन बनाना जाएंगे तो भी बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज़ क्या होता है, आजकल कोई यंगस्टर्स को भी अपन बुलाएँगे खेलने के लिए, क्योंकि स्पॉन्सर्स भी कैसे होते हैं आज की तारीख में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई 10,000 दे रहा है तो वो यंगस्टर्स को 10,000 नहीं देगा, स्पॉन्सर बोलेगा मैं उसको 3,000 दूंगा या 4,000 दूंगा। लेकिन क्या होता है, यंगस्टर्स लोग को भी आजकल परफॉर्मेंस से पहले पैसा सोचते वो लोग। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग भी जितना भी टूर करते थे ये बिना मतलब हारो जीतो आ गया क्रिकेट में, हारो जीतो नहीं होता था पहले तो। आज की तारीख में क्या होता है, आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो पैसा, और ये है क्योंकि क्रिकेट में पैसा आ गया। लेकिन क्या होता है, मेरा बोलना ये है कि अगर कोई एक टीम पकड़ के चलेगा, कोई भी यंगस्टर्स हो या कोई भी सीनियर प्लेयर हो, तो टीम हमेशा उसको सपोर्ट करती है, चाहे उसके बैड मतलब जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो या फॉर्म में हो, टीम हमेशा उसके लिए खड़ी होती है। नहीं तो आप ऐसा बोल रहे हैं तो मेरे इसमें दो सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि एक टीम पकड़ के चलेगा, तो ऐसा कोई प्लेयर जो आपको लगता है जो हमेशा अपने टीम के साथ खड़ा रहा हो? वेल, मेरे टीम में तो बहुत से प्लेयर हैं ऐसे। ओके, मेरे टीम में रवि लिंगाला है, बिलाल शेख है, मुन्ना शेख तो मेरे को, मैं बोल रहा हूँ आज कम से कम 12-13 साल हो गए, मुन्ना भाई है, दीनू कामले, बहुत लोग हैं ऐसे, अशरफ खान, अनिक साना, उमर, बहुत लोग हैं ऐसे मतलब मेरे टीम में, मैं जिसके नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ अभी। तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो मतलब मेरे टीम के साथ मेरे को सपोर्ट भी किए, मैं जब तक मैं पैकर्स लाया टीम के लिए मैं खेला, और मैं आज भी टीम बनाता हूँ, तो मेरे प्लेयर्स लोग ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है और मेरे लिए खड़े हुए हमेशा, मतलब मेरे पुराने प्लेयर्स। और आज भी नए प्लेयर्स जो आए हैं, कृष्णा पवार हो गया, और बाहर से भी जितने प्लेयर आते हैं तो वो लोग भी मेरे को, राजू मुखिया हो गया, ऐसा सब सपोर्ट करते हैं कि मतलब एक टीम में खेलेंगे तो एक ही टीम में रहना चाहिए। तो जैसे आपने बोला कि ऐसा भी देखा गया कि एक टीम के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे कोई प्लेयर्स या ऐसे कोई वाकया जहाँ पे प्लेयर्स ने यू नो
नॉट लॉयल टू द टीम, ऐसा कुछ वाकया हुआ है? वाकया तो ऐसा कंटिन्यूसली होते रहता है, अभी ये रिसेंटली 2-3 साल से ये वाकया चलते रहता है। एक्चुअली कैसा होता है, मेरे साथ ही नहीं मतलब मेरे टीम में तो कम होता है बिकॉज, लेकिन बाकी टीमों में भी होता है ये चीज़। क्या होता है, अगर हम एक टीम है और हम जा रहे हैं कहीं टूर पे खेलने, सपोज़ आपने मुझे दिया 15,000 का ऑफ़र, सामने वाला टीम वाला क्या करता है, कभी कभी अगर वो प्लेयर अच्छा है, बड़ा प्लेयर है, तो वो अपने प्लेयर्स लोग को ज़्यादा भी ऑफ़र करता है। हमको 15,000 मिल रहा तो इनको आपको 20,000 देता हूँ, 25,000 देता हूँ, ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, थोड़े बहुत प्लेयर्स है ऐसे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन क्या होता है वो लोग माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाता है उनको, तो उनको एक डायरेक्शन में रखने के लिए ना बहुत समझाना पड़ता है। ऐसा सब टीम में है, ऐसा ऐसा मेरी टीम में नहीं, ऐसा सब टीम में है ऐसा ये चीज़ है। तो पैसा आने से प्लेयर्स को फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन पैसा आने की वजह से लॉयल्टी खराब हो गई है? ये सच बात है, पैसा आने से लॉयल्टी खराब हुई है प्लेयर्स लोग की। और कैसा है, एक मुकाम रहता है, मतलब आप मैं पहले भी बोला कि आज तुम फॉर्म में हो तो कोई भी पैकर तुमको 20,000 देगा, 25,000 देगा, 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन आपने वो 4 मैच में जब परफॉर्म नहीं किया तो 5वें मैच में आप गाली खाने के लिए भी रेडी रहना चाहिए, बिकॉज आजकल के स्पॉन्सर सुनते नहीं हैं। जब आपको पैसा दे के बुला रहे हैं ना, तो आपको 10 बार सुनना भी पड़ता है। तो इसलिए मेरा कहना यही है मेरे सारे प्लेयर लोग से कि एक टीम पकड़ के चलेंगे तो क्या होता है, आपके जब बैड पैच चलता है तब भी टीम आपको साथ देती है, और जब आप फॉर्म में रहते हैं तब भी आपके साथ टीम खड़ी रहती है हमेशा। तो ये चीज़ मेरा यही बोलना है सभी प्लेयर्स लोग के लिए कि एक टीम प्रॉपर पकड़ के चलिए। आप पहले तो एक प्लेयर थे, आप अच्छी बॉलिंग करते थे हमने देखा है, और उसके बाद आप अपनी टीम मैनेज करते हैं। जब उस समय टीम मैनेज करना या टीम चलाना और इस समय टीम मैनेज करने में क्या फ़र्क है? उस समय टीम मैनेज करना एक्चुअली इजी था बिकॉज क्रिकेट में पैसा कम था, तो ज़्यादा ये नहीं होता था। आज क्या हो गया है, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं चलती थी, वो टाइम पे पैसा कम था तो सबको जितना पैसा आया उतना दे के ख़त्म कर देते थे। आज की तारीख में क्या हो गया है, हम कई टूर्नामेंट बड़ा खेलने भी जाते तो स्पॉन्सर सीधा 2-2 लाख 3-3 लाख ऑफर कर देते। तो उसमें क्या होता है, प्लेयर्स लोग का भी माइंडसेट थोड़ा चेंज होने लगता है सभी टीमों का। आज की तारीख में पैसा ही इतना आ गया है, मतलब आजकल का तो टारगेट है 5 लाख का टूर्नामेंट है मतलब 1.5 लाख रुपया, 10 लाख का टूर्नामेंट है मतलब 2 लाख रुपया, ये पूरी टीम का यही टारगेट रहता है, मतलब हारो जीतो। हकीम भाई मेरे को बताइए, मैं अभी आप टीम मैनेज करते हैं, आपने इतना पैसे की बात की, तो अगर कोई भी 2 लाख का टूर्नामेंट जीते या 3 लाख का टूर्नामेंट जीते, तो आपके जो 15 या 16 या 18 जन होते, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का? मोस्टली तो इक्वल ही होता है, लेकिन हम लोग कैसा है, बाहर से जो आते हैं हमारे में खेलने के लिए, क्योंकि अभी मुन्ना भाई अपनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट छोड़ के आते हैं अपने लिए, हमारे लिए, और मुन्ना भाई हाँ नासिक से आते हैं, और हमेशा वो हमारे साथ आज 12-13 साल से जुड़े हुए, हर टूर्नामेंट को हमारे आते हैं। तो बाहर से जो आते हैं, हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग वगैरह सब बचना चाहिए वो, तो उसके लिए हम लोग बाहर के प्लेयर्स लोग को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, मतलब ज़्यादा पैसा देने की। और हम लोग आपस में जो टीम वाले हैं जो बॉम्बे में रहते हैं, वो हम लोग डिस्कस करके हमारे हिसाब से पैसा लेते हैं। ये तो पैसे की बात हुई, लेकिन क्रिकेट जिस तरीके से फास्ट हुआ है, अलग लेवल पे गया है, क्रिकेट की क्वालिटी में क्या बदलाव आया है आपको लगता है? अभी आज की तारीख में आप देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैं अपने प्लेयर्स को भी बोलता हूँ फिटनेस करने के लिए, ऐसा नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे प्लेयर्स अभी मेरा वीडियो देखें तो समझ जाएंगे मैं किन किन लोगों को फिटनेस करने बोलता हूँ। और कैसा है कि क्वालिटी अभी कैसा है, एक ऐसा मुकाम आ गया है क्रिकेट में आज की तारीख में आप देखा जाए तो, आपको आपका फिटनेस लेवल अच्छा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज ISPL टूर्नामेंट है, बिग बैश टूर्नामेंट, बहुत सी टूर्नामेंट्स है जहाँ पे पैकर्स लोग भी फिटनेस पे देखते हैं, अगर कल को वो परफॉर्म नहीं करते तो हाँ स्पॉन्सर्स उनको नहीं जाके बोलेंगे, लेकिन मुझे बोलेंगे बिकॉज मैं टीम अरेंज करता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि ये प्लेयर फिट नहीं है, आप इसको लेके आ रहे हो, ये चीज़ें होती है, ये मेरे साथ हो चुकी है, और ये साल तो बहुत हुई हम लोग, क्योंकि ये साल शायद हम लोग के 17-18 साल में हम लोग का इतना बैड पैच कभी नहीं आया जो 2024 में हम लोग ने अभी देखा,
जो कौन सी टूर्नामेंट हारे आप? हम लोग कंटिन्यूसली अभी गुजरात में 6 टूर्नामेंट खेले, जिसमें से एक फाइनल खेले 1,00,000 रुपये वाला, बस बाकी सारी टूर्नामेंट हम लोग हारे। और हम लोग दुर्गापुर बिग बैश खेले, इधर उधर जितना भी टूर्नामेंट खेले, हम लोग इस बार ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाए। मतलब मोस्टली 100 में से हम लोग को अगर बोले जाए तो 30% रिजल्ट आया होगा। रार कप भी आप हारे? रार कप भी हम लोग हार गए, CSK कप हार गए, बिग बैश हारे, लाइन से सब कप हारे उधर हम लोग। रीज़न तो कुछ नहीं दे सकते सर उसमें, अभी कैसा है बैड लक हो जाता है। हर मैच में हम लोग क्लोज आके ही हारे। अच्छा। हर मैच में क्लोज आके हारे, पता नहीं वो क्या हो रहा था, बैड लक हो रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन हर मैच में हम लोग क्लोज, मतलब लास्ट मोमेंट तक सब लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग जीत जाएंगे, और लास्ट मोमेंट पे मैच हाथ से निकल जाती थी। सो मैं अगर पूछूं, उमर 11 इतने साल खेली है, देखा है, आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन टीम क्या था या कभी था, और कौन कौन थे वो बेस्ट कॉम्बिनेशन टीम? एक्चुअली जब आज से मैं तुमको 8-10 साल पहले की बात बताऊंगा, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन टीम में हमारे पास अच्छे ये थे, जैसे कि ओपनर में मेरे पास था मुन्ना और उस्मान, और मेरा मिडिल ऑर्डर पूरा संभालता था उमर रवि और अनिक बिलाल शेख, ये तीनों लोग मतलब मेरा पूरा मिडिल ऑर्डर संभाल लेते थे। और उसमें हम लोग के पास एक प्लस पॉइंट ऑलराउंडर था हमारा गैसू भाई 360 डिग्री, जिसके बारे में बोलना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने क्रिकेट थोड़ा जल्दी छोड़ दिया, वो क्रिकेट और खेल सकते थे, ऐसा है। ओके, तो वो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन था आज से 8-10 साल पहले? 8-10 साल पहले का वो कॉम्बिनेशन मेरा बेस्ट था। और मैं अगर पूछूँ कि आपको कौन सी टीम्स ने उमर 11 को सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है, या सबसे ज़्यादा टफ अपोनेंट अगर कहूँ तो? अरे हम लोग ने इतना क्रिकेट खेला, लेकिन हम लोग का वो टाइम पे भी कैसा था, हम लोग बड़ी टीम से जल्दी जीत जाते थे, लेकिन हम लोग के लिए टफ अपोनेंट हमेशा रही है बोरीवली बॉयज़। अच्छा। जो राम प्रकाश की टीम थी, जिसमें रौफ भाई वगैरह खेलते थे, वो टीम हमारे लिए हमेशा एक कॉम्पिटिटर रही है हम लोग के लिए। वेल, हम लोग ने जब टीम स्टार्ट की थी तो हमारे पास तो एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग 4 राइट आर्म बॉलर से स्टार्ट किए थे। वो राइट आर्म बॉलर में मैं एक था, उमर था, गैसू भाई थे, और हमारा मेन तुरुप का इक्का बोले तो हम लोग का था संतोष यादव, जिसने हम लोग को बहुत मैचेस जीता है। वो राइटी बॉलर था हमारा, वो भी अंधेरी में रहता था, तो उसने हम लोग के लिए बहुत साल खेला वो भी, लेकिन वो जल्दी से क्रिकेट छोड़ दिया, और लेकिन वो हम लोग के लिए एक मेन प्लेयर था हमारे उमर 11 के लिए। ओके। और उसके बाद आप बैटिंग में देखा जाए तो बैटिंग में मेरे लिए मतलब हमेशा से मेरे लिए रवि लिंगाला हो गया, बिलाल शेख और गैसू भाई और उमर, ये चार लोग मेरे मिडिल ऑर्डर ऐसे थे मतलब कभी भी मैच घुमा सकते थे। और बॉलिंग में तो आपने देखा ही, अनिकेत सानप था हमारे पास, रोहन सावंत था, फिर बिलाल शेख का भी नया मतलब खेला 2-3 साल, हुसैन वगैरह भी खेले, तो हम लोग की एक अच्छी कॉम्बिनेशन थी 8-10 साल पहले की। सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट हुआ है, उससे फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से बहुत फ़ायदा हुआ है एक्चुअली प्लेयर्स लोग को देखा जाए तो, बिकॉज़ क्या होता है आज की तारीख में हम कौन से भी स्पॉन्सर्स को हम लोग कहीं भी जाए खेलने के लिए, चाहे वो अब्रॉड में हो या इंडिया में हो कहीं भी, तो क्या होता है हम लोग जब कोई स्पॉन्सर को बोलते हैं ये फलाना प्लेयर हम लोग ला रहे, तो वो लोग क्या करते, तुरंत बोलते उसका वीडियो दो। तो ये सोशल मीडिया से क्या हो रहा है, प्लेयर्स लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आजकल प्लेयर्स लोग छोटे छोटे रील्स शॉर्ट्स डालते हैं, तो उससे क्या होता है स्पॉन्सर्स लोग देख के सब वो लोग स्पॉन्सर लोग ही वहाँ बैठे बैठे सिलेक्ट कर लेते हैं प्लेयर्स कि ये प्लेयर्स हम लोग को चाहिए। चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।